हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इसकी कुछ मीटर की प्रोग्रामिंग करेंगे, तो इसके लिए जो चलते हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी अपनी मारुति स्विफ्ट गाड़ी है, कुछ स्टार्ट बटन। इसमें कस्टमर की प्रॉब्लम है कि ये 20 की स्पीड में लॉक भी नहीं होती है। अभी हमने 20 की स्पीड की, वो भी ऑटोमेटिक लॉक नहीं। अब इसको ऑटोमेटिक लॉक करने के लिए हमें मीटर में सेटिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें स्पीडोमीटर में कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो हम स्पीडोमीटर जाते हैं। स्पीडोमीटर में दो नोब होती है, एक राइट में होती है, एक लेफ्ट में होती है। हमें राइट वाली नोब को 5 सेकंड के लिए फ्रेश करके रखना है। फ्रेश करने के बाद में हमें डोर लिखा हुआ आएगा। अब हम उसे फिर से एक बार दबाएंगे। दबाने के बाद में D2 लिखा हुआ आएगा, फिर से हम उसे दबाएंगे। दबाने के बाद में D2 SL1 AVL, उसमें राइट साइड में घुमाएंगे तो D2 SL1 2 लिखा आएगा। तो हमें फिर हमें उसे नोब को फ्रेश कर देंगे तो सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। तो हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है और हम फिर बैक चले जाएंगे। लेफ्ट साइड घुमा के बैक जाया जाता है। फिर हम हमें अब गाड़ी को चला के चेक करेंगे कि गाड़ी लॉक हो रही है या नहीं हो रही। अब 20 की स्पीड होने के बाद में अब हमारी गाड़ी ये लॉक हो चुकी है, ऐसे ही किया जाता है। थैंक यू।